मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी लोकेशन। और सबसे पहले मैं आपको अगर कोठी की बात करूँ जो बहुत ही अच्छी है और जिसको मुझे ऐसा एक्सप्लेन करने में आज बहुत मजा आने वाला है, तो चलो सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन रहेगी 125 सेक्टर मोहाली की और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल एयरपोर्ट यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। बाकी सारी लोकेशन बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करती है। तो अगर कोठी की बात करें, 200 गज में हमारे आज की कोठी आप सभी के लिए रेडी है। बाहर का एलिवेशन ही आप देखोगे ना, कितना प्यारा एलिवेशन है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। वुडन की फिनिशिंग है, ब्लैक थीम दी गई है और अंदर से आप इसका इंटीरियर देखने वाले हो ना, मतलब कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आप बोलोगे वाओ, जैसा मुझे पसंद आई मैंने ऑलरेडी देख लिया, तो आप लोगों के साथ भी देख लेते हैं। तो साइज की बात मैंने कर दी है, 200 गज में है। यहाँ पे हमारा बर्न एरिया है, तो बर्न एरिया में भी इजीली हमारी जो है गाड़ी पार्क हो जाएगी 1 से 2, इतना आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो चलो बढ़ते हैं हम कोठी के अंदर। इसमें अंदर बढ़ने से पहले हमें मिल जाता है इसमें पूजा घर, मॉड्यूलर किचन और हमारे बहुत ही स्पेशियस बेडरूम और पेंट्री मिल जाती है। तो चलिए आइए अंदर। तो यहाँ पे भी आपका एक गाड़ी का पार्किंग स्पेस आ गया। यहाँ पे अगर हम मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो है अपनी एक्टिवा कुछ भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग आपका इसमें गेट आ जाता है। तो बढ़ते हम हमारे मेन एंट्रेंस की तरफ जो कि बहुत ही सुंदर है, और ये वाला देखोगे तो आप वाओ। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें सेकेंड डोर, जिसमें हमें मिल जाता है स्मार्ट लॉक, जो हमारी प्राइवेसी की सबसे बेस्ट है। तो डाउन सीलिंग हमें एंट्रेंस में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम हमारे ड्राइंग एरिया में। तो ये है हमारा ड्राइंग एरिया, जो कि बिल्कुल सिंपल सोबर सा है। इसमें आपके ग्लास लग जाएंगे, जिससे थोड़ी सी प्राइवेसी बरकरार रहेगी। वॉलपेपर आ गया, डाउन सीलिंग, वेंटिलेशन के बहुत बड़ी विंडो। तो ये आ गया डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको यूटिलाइज किया गया है। अगर हम करें स्टेयर्स की बात, भी नहीं दिखाऊंगी, पहले देखेंगे मॉड्यूलर किचन। तो ये एक परफेक्ट मॉड्यूलर किचन है। जो चीज़ें हम एक किचन में हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे चिमनी होप आ गया, ये सारा आपका एज इट इज रहेगा। ये आगे हमारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ ड्रॉल्स, और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा। इसके साथ में वॉशिंग एरिया का स्पेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारा मॉड्यूलर किचन। स्पेस भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें एक खुला डुल्ला बेडरूम, जो कि एक परफेक्ट साइज, और इसमें रूम में जो डिज़ाइन देखोगे आर्किटेक्चर से डिज़ाइन किया गया है, तो मतलब कमाल का है। डाउन सीलिंग बहुत डिफरेंट, LED पैनल का स्पेस। हम इस साइड में आएंगे अपने बॉड हमारे अपने कबर्ड्स की तरफ। वाओ, ब्लैक थीम और इतना बड़ा मिरर हम आपको लगा के दे रहे हैं प्रोफाइल लाइट के साथ। अटैच हमारा इसमें वॉशरूम रहेगा, सीरा की इसमें फिटिंग रहेगी सारी। और इसके साथ में जो है यहाँ पे आ गया हमारा वॉशिंग एरिया। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब दिखाती हूँ आपको सेकेंड बेडरूम। तो ये है सेकेंड बेडरूम। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी हमने थीम आपको बना के दी है। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। वॉलपेपर, कबर्ड्स हो गए हमारे, ड्रेसिंग एरिया आ गया, LED पैनल का स्पेस आ गया। जो एक रूम में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी विद अटैच वॉशरूम के साथ। इसके साथ भी आपका वॉशिंग एरिया कनेक्ट करता है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें हमारे 2 बेडरूम्स है, डाइनिंग ड्राइंग एरिया है, हमारा मॉड्यूलर किचन है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अब मैं फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाली हूँ, जिसपे हमारी जो है डुप्लेक्स है। ये तो पैड़ी अंदर से आएगी, प्रोफाइल लाइट आएगी। सबसे पहले आएगा हमारा शेड्यूलर। आए हाय, क्या प्यारा शेड्यूलर है। तो बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। वाओ, सबसे पहले मिल जाता है वॉल डिज़ाइन, बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ हमारा वॉल डिज़ाइन आ गया। तो अब हम देख लेते हैं हमारा पूजा घर। तो ये है पूजा घर, जिसमें हम आपको प्रोफाइल लाइट दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपने देवता जी आप रख सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, पॉजिटिविटी के देवता जी का मंदिर है, तो साथ जाना मुझे सही नहीं लगता है। तो अब देख लेते हैं थर्ड बेडरूम।
तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। डाउन सीलिंग, सामने एलईडी पैनल का स्पेस। अगर दिखा दिया मैंने आप सभी को ड्रेसिंग एरिया, आप बोलोगे वाह। चलो देख लेते हैं, ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे इतनी सारी जगह में मिरर है प्रोफाइल लाइट के साथ। यहाँ पे बिल्कुल आपके कवर्स रेडी है। तो एक परफेक्ट ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है। अटैच इसमें आपको वॉशरूम मिल जाता है और बैक बालकनी का भी स्पेस मिल जाता है यहीं से। तो अब देख लेते हैं हम हमारा फोर्थ बेडरूम। तो ये है फोर्थ बेडरूम। इसमें भी अगेन हमारी वो सारी चीज़ें हैं जो हर बेडरूम में है। डाउन सीलिंग, कबर्ड्स, एलईडी पैनल का स्पेस, ड्रेसिंग एरिया, अटैच वॉशरूम के साथ और साथ में ही बालकनी के साथ। तो एक परफेक्ट मतलब ये घर है। तो अब इसके साथ में ही मिल जाता है हमें यहाँ पे छोटा सा मिनी किचन। तो ये है मिनी किचन। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें हमारी बालकनी, फ्रंट बालकनी, टफन ग्लास के साथ हमारी बालकनी आ जाती है। तो वाह, यहाँ पे अगर ये वुडन का वर्क देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ से आप बाहर का आनंद ले सकते हैं अपने घर वालों के साथ में। और अंदर से हमारी टॉप टेरेस के लिए जा रही है पैड़ियाँ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का घर जो मैंने आप सभी को दिखाया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी कोठियाँ लेके आते रहें।